हेलो फ्रेंड्स, जमशेद जोन में आपका स्वागत है। मैं हूँ जेबा। तो दोस्तों, आज मैं नारियल की बर्फी बनाने जा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, इससे मुझे नई नई रेसिपी बनाने का हौसला मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 200 ग्राम नारियल का बुरादा, 300 ml फुल क्रीम दूध, मैंने इसे उबाल लिया है, 150 ग्राम चीनी, चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं, 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 1 टेबल स्पून देसी घी, ड्राई फ्रूट्स में बादाम, किशमिश, आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, 1/2 टीस्पून छोटी इलायची पाउडर, 2 पिंच येलो फूड कलर, अगर आप फूड कलर नहीं भी डालें तो कोई बात नहीं है, 1 पिंच केसर के धागे। अब मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। पैन में दूध डाल देना है। फ्लेम को हाई कर देना है। फिर चीनी डाल देना है। केसर के धागे, अगर आप केसर के धागे नहीं भी डालें तो कोई बात नहीं है। चीनी मेल्ट हो गई है, मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है। मैंने फूड कलर में 1 टीस्पून पानी डालकर मिक्स कर दिया है। इसे पानी में मिक्स करके ही डालना है, डायरेक्ट नहीं डालना है। अब इसमें छोटी इलायची पाउडर डाल देना है। अब इसे मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक ऐसे ही उबलने देना है। 5 मिनट हो चुके हैं इसे मीडियम फ्लेम पर उबलते हुए। अब इसमें नारियल का बुरादा डाल देना है। अब फ्लेम को लो कर देना है। इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें मिल्क पाउडर डाल देना है। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं भी डालें तो कोई बात नहीं है, इसे चारों तरफ डालना है। फिर इसे भी मिक्स कर देना है। मैंने मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें देसी घी डाल देना है। अब इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाकर 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। इसे चलाते ही रहना है। हो चुके हैं इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाकर पकाते हुए। अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। यह बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसे ट्रे में निकालना है। मैंने एक ट्रे लिया है, इसमें देसी घी लगा देना है। घी को चारों तरफ लगा देना है। मैंने घी को चारों तरफ लगा दिया है। इसे नारियल का हलवा भी बोला जाता है।
मैंने इसे अच्छे से ट्रे में फैला लिया है। अब इस पर ड्राई फ्रूट्स डालना है, बादाम। आप यहाँ पे चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, किशमिश, अब इसे दबा दबा कर चिपका देना है। मैंने ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से चिपका लिया है। अब इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है सेट होने के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, बर्फी अच्छे से सेट हो गई है। अब इसे कट कर लेना है। आप अपने मर्जी से छोटा या बड़ा कट कर सकते हैं। अब बर्फी को निकाल लेना है। मैंने सारे पीसेस को कट कर लिया है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि मेरी यह रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। मैं अपनी न्यू रेसिपी के साथ जल्दी अगली वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।